यह कहानी मेवाड़ की देशभक्तिपूर्ण कहानी है। इस कहानी में महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष करते हुए बताया गया है और भामाशाह को समर्पण का प्रतीक बताया गया है। महाराणा प्रताप मुगलों से पराजय के बाद अपने बचे हुए अनुयायियों, अपने परिवार व उनके नौकर चाकरों के साथ अरावली पर्वत की तराई में डेरा डाले हुए थे। यह अंधेरा व चारों ओर से पर्वत से घिरा हुआ स्थान था। महाराणा प्रताप अपने पुत्र अमर सिंह को अपनी पराजय के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने समय में पूर्वजों द्वारा दी गई संपत्ति व साम्राज्य को संभाल कर रखा था। महाराणा प्रताप अपने पुत्र को एहसास दिलाते हैं कि अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करके उस पर शासन करना अब उसका काम है। वे अपने पुत्र से कहते हैं कि अंतिम समय तक मेवाड़ के बारे में विचार करो और उस युद्ध मैदान को याद करो जहां हमारी पराजय हुई थी। कुछ समय पश्चात राणा जी को उनके प्रमुख सलाहकार व मुख्यमंत्री भामाशाह के आगमन की सूचना मिली। भामाशाह अपनी टोली के साथ भ्रमण तीर्थ यात्रियों के वेश में मुगल कैंपों को पार कराए थे। वे बड़ी ही चतुराई से मुगलों से अस्त्र शस्त्र छिपा कर लाए थे। भामाशाह महाराणा प्रताप के चरणों में वंदन करते हुए बोलते हैं कि बहुत समय पहले उनके पूर्वज को मेवाड़ के भगवान राजा ने दान धर्म के रूप में अपार संपत्ति दी, जिसके कारण उनके परिवार को गरीबी से मुक्ति मिली व समृद्धता प्राप्त हुई। बुरे समय में मेवाड़ के राजा का सहारा पाकर उसने पुनर्जीवन प्राप्त किया है और आज जब राजकुमार भूखे हैं तो वे उनकी सारी संपत्ति महाराज को समर्पित करते हैं। राणा जी भामाशाह की ईमानदारी को देखकर गर्व से बहुत खुश हुए और कहा कि तुम्हारे सम्मान को कोई छू भी नहीं सकता, किंतु अब वे मेवाड़ के शासक नहीं रहे, वे सिर्फ एक गरीब भ्रमणकर्ता हैं। यह बातें सुनकर भामाशाह काफी दुखी हुआ और बोला कि वह खजाने का सारा माल सुरक्षित उनके पास लेकर आया है, जिसमें से एक भी सोने का सिक्का उसने उस पर खर्च करने के लिए नहीं रखा। भामाशाह कहता है कि उनके पास युद्ध करने के लिए पर्याप्त हथियार व धन है। यह सुन महाराणा प्रताप हिचकिचाए, पर भामाशाह ने कहा कि यह धन व्यर्थ है यदि मेवाड़ को उसकी विपत्ति के समय काम न आए। यह सुन महाराणा प्रताप ने भामाशाह को मेवाड़ का संरक्षक की पदवी से विभूषित करते हुए आश्वासन दिया कि अगर अच्छे दिन पुनः आते हैं और चित्तौड़ के सूर्य का प्रतीक सिसोदिया पौधा पुनः खिल उठता है तो उसके परिवार को पुनः सम्मानित किया जाएगा। महाराणा की इस बात को सुनकर भामाशाह बोला, उसे कोई इनाम नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ महाराजा के चरणों में सेवा का अवसर चाहिए। शव सक्ता ने भामाशाह की युद्ध रणनीति की तारीफ में कहा कि अगर अकबर को भामाशाह के बारे में मालूम हो जाए तो वह अपने आधे से ज्यादा कैप्टन भामाशाह के बदले देने को तैयार हो जाएगा। वह आगे कहता है कि बिरबल तो चतुर भामाशाह की मात्र परछाई है। इसके पश्चात भामाशाह ने सभी से विदा ली।